अस्सलाम वालेकुम खुशामदी सबके जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबके दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। हम बाहर आए हैं, क्यों आए ये तो आप देख ही लेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग सुबह सुबह से उठ के चले गए थे कि पहले से ही रख देंगे, लेकिन पोपटी हो गया, भाई अभी पहले ही आ गए तो हमने उनको यहीं पे दे दिया। अभी वो लोग थके हुए आए थे इसलिए हमने शूट वूट नहीं किया, और अभी हम लोग कुछ लेके आए खाने के लिए तो वो हम लोग खाएंगे। ये देखो अम्मी का फेवरेट, आज नाजा खाला कल चली जाएगी तो उनका सारा को बहुत पसंद है, हमें भी पसंद है। कालू आ गए फ्रेंड्स, आ जाइए कालू, बहुत देर हो गई ना। अब तुम्हारा नंबर हो गया, इस पे करना फोन। थैंक यू वेरी मच। अम्मी को खाला ने क्या दिया कि वो पुदीना दा तोड़ दो, तो खालू कह रहा है लाओ मैं करूंगा। खालू की लग रहा आदत है, आदत है, घर में भी कभी कभी करते हैं। नाजा खाला बताती है कि खालू बहुत हेल्प करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। खालू कहेंगे जितनी भी नाजा खाला की तबीयत खराब होगी ऐसे भी तो करते हैं, और सुन के बहुत खुशी होती है, और सबको खालू से सीख लेनी चाहिए, करना चाहिए। अच्छा हमें लगा फिर से तो नहीं आ गए। तो देख कितना अच्छा है बेटा, सारा ने पहन लिया। हाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं क्या कर रही, जीरा क्यों, दही बड़े के लिए। अच्छा, नाजा खाला बेटी खाला मेरे लिए काम बता गई थी कि धनिया पुदीना धो के धुल के रखना। हाँ। और जीरा भून के रखना। तो देखिए बिरयानी रेडी है, कानपुर स्टाइल बिरयानी है। इसकी रेसिपी शायद हम आपको बता चुके हैं, नहीं अगर आपने देखी है तो बताइएगा, हम लोग फिर से प्रॉपर शूट करके डाल देंगे। यहाँ पे हम सब ने बैठ के मिलके अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया, और उसके बाद सब लोग व्लॉग देख रहे टीवी में। मिल गया तुम्हें साथी एक दिन के लिए। फ्रेंड्स फाइनली सारी चीजें अच्छे से हो गई हैं, आपने देखा होगा हमने साथ में मिलकर डिनर किया, सेलिब्रेट किया, वो सब आप पूरा भाभी के ब्लॉग में देखिएगा। और अभी रात हो गई है, और मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में कहा था ना कि जो सारा जाएगी या नहीं जाएगी, तो फाइनली सारा जाएगी। आपने देखा खालू आ चुके हैं, तो बस उनकी सारी यहाँ पे पैकिंग वैकिंग हो गई, मैं भी आपको बाद में दिखाती हूँ। आज दिन भर बहुत ज्यादा बिजी में निकल गया, बहुत सारी कुकिंग करने में सब बिजी रहे, हम लोग बाकी के दूसरे कामों में बिजी रहे, और अभी मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ, फिर आज रात में सब बैठ के बातें करेंगे कि कल दिन में खाला निकल जाएगी। ये ब्लॉग जो है वो कल तक कंटिन्यू रहेगा। नाइट सूट भी पहन लिया है, और मैंने अपना फेस भी वॉश कर लिया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको रोज रात में ये तो जरूर कहती हूँ कि अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करके सो, फेस वॉश करके, मॉइस्चराइज करके, लेकिन लिप्स के लिए भी मैं आपको बताना भूल जाती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिप्स में ना फ्रेंड्स ना ही स्वेट आता है, ना ही हमारे लिप्स ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से हमारे लिप्स क्या करते हैं ज्यादा मतलब ड्राई हो जाते हैं, फ्लेकी हो जाते हैं, और विंटर्स में तो बहुत ही ज्यादा होने लगती है। लिप केयर रूटीन के लिए मैं यूज करती हूँ मामाअर्थ का विटामिन सी 100% नेचुरल लिप केयर किट, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और सबसे अच्छी बात यह कि 2-in-1 किट है। आप देखिए मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ, इसमें इसका स्क्रब भी है और मास्क भी है, अप्लाई करने में बहुत इजी है क्योंकि इसके साथ इसका ये जो है स्पैचुला भी आता है। तो सबसे पहले हम स्क्रब करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले एक्सफोलिएशन जरूरी है, उसके बाद मास्क लगाते हैं, सब अपने फेस पे करते हैं। तो स्क्रबिंग जो है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो गई, लिप्स अच्छे से एक्सफोलिएट हो गए, अभी हम इसे क्लीन कर लेंगे, और अभी हम लगाएंगे लिप मास्क। मैं आपको ये किट के बारे में बता दूं, ये इंडिया फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड लिप केयर किट है, सारे स्किन टाइप्स को सूट करती है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, और हमारे ड्राई लिप्स को एकदम हील कर देगी। 100% नेचुरल लिप केयर किट है, इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, टॉक्सिन्स नहीं है, हमारे लिप्स के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे मॉर्निंग में भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये मास्क को ओवरनाइट रहने दोगे तो आपके लिप्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो इसका स्क्रब है ना फ्रेंड्स वो वॉलनट शेल से बना है और लेमन एक्सट्रैक्ट से बना है। लेमन एक्सट्रैक्ट क्या करेगा फ्रेंड्स, हमारे लिप्स से पिगमेंटेशन दूर करेगा और बहुत ही अच्छे से रेडियंट से
लिप्स देगा। और जो वॉलनट शेल है फ्रेंड्स, वो क्या करेगा, एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है, जेंटली एक्सफोलिएट करेगा, जिससे जो डेड स्किन होती है ना वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। इसका जो मास्क है वो बना है शिया बटर से, वो ड्राई और चैप लिप्स को अच्छे से सूथ करेगा और सन डैमेज से बचाएगा, और साथ में इसमें टर्मरिक ऑयल भी है जो हमारे लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मुझे मामाअर्थ की बात जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ बहुत अच्छी लगती है, उनका प्लान गुडनेस इनिशिएटिव। तो जब भी आप उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपका वो ऑर्डर वो ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो कि उन्होंने प्लान किया होता है। तो आप अपनी ऑर्डर आईडी के साथ उनकी वेबसाइट पे जाके वो ट्री को देख सकते हो और ट्रैक कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, साथ साथ एनवायरमेंट के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। और हाँ, आप सबको एक बात और बतानी थी, मामाअर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च की, जिसकी iOS और एंड्रॉइड लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से जाके आपको डाउनलोड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जब भी कोई नया ऑफर आएंगे आपको उसका अर्ली एक्सेस मिलेगा, जिससे आप ज्यादा डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो आप इसे Amazon, Flipkart, नायका, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से परचेज कर सकते हो। अगर आप मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से परचेज करोगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिए, जो कि SABA2022, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। लिप का तो हो गया, अभी अपने फेस पे सिरम भी लगा रही थी, आज मैं मसाज नहीं कर रही होगी, आज मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा है, और वीक में 3-4 बार फेस पे मसाज कर लो तो ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग सोने के मूड में आ गए। सच में हम लोग ना केक की क्रीम ज्यादा नहीं खाते हैं, तो फ्रिज में उसको क्रीम निकाल के उसका ब्रेड रखते हैं। रिजर्व वो ही कर रही थी, और वो करते करते उसके दिमाग में आज इतनी मस्ती पता नहीं कहाँ से आ गई। देंगे रात में, हाँ दिला दूंगी। नहीं 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 हाँ नहीं मुंडा मुंडा दिखा नहीं हाँ नहीं 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 बेटा नहीं चले कपड़े दोनों को मारेंगे और लो ये मेरे बिस्तर में ये किस लिए बचेगी इसका आज लास्ट डे शल्पी इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं देखना चलो जब मेरे लगा तो तुम कहां से बचोगे नहीं हो गया अब तुम बेटे नहीं रेहान अब चलो जाओ तुम्हें तो किट बैग नहीं देगा नहीं नहीं सौरव चलो और सफी की तो बिल्कुल भी नहीं लगा लगेगा इसके लगेगा तुम लोग क्या कर हो गया लगेगा किसी ने किसी के बीच में रुको बस अब हो गया चलो मेरा किट बैग चलो मेरा चलो अब हो गया अब मुंह धो लो रिजर्व टिश्यू दो चलो मुंह धो लो सारा जल्दी लाओ नहीं नहीं बेटा बस अब बस बहुत नहीं अब पक्का हम लगा देंगे ठीक है चल पहले तो मुंह धो लो इसको वहाँ किचन में डालो इधर किसको तोड़ा कहाँ इधर उधर जाओ पीछे जाओ किसने लिया ये कहाँ ये चला इनको मार के यहाँ पर केक पूरी चीजों से चलो तो आज लास्ट नाइट तुम लोगों ने कितनी मस्ती कर ली ये तो है लेकिन रिजल्ट को केक बिल्कुल भी नहीं लग पाया ट्राई किया मुझे लगा लेकिन मैंने कैसे भी करके बच गई तुम लोग नहीं लगा पाए ठीक है शर्मी बोल रही है मुझे तो लगा ही नहीं नहीं लगा मैंने कितना बचाया सारा के टैब में मैं व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रही हूँ नेक्स्ट डे हो गया है दालचीनी का पानी पी सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है सारी बता दो क्या लेके जा रही हो
आज क्या है ये दाल है अरहर की। रिहान सुबह से इतने सारे दही बड़े खा चुका और फिर लाइन में लगा है। काला यहाँ पे भाभी के पापा के लिए दही बड़े निकाल रहे हैं। मुझे भी खलाज चली जाएगी बेटी। खला पता है तुम्हें लगता है शूट नहीं हो रहा है, तुम चुप रहती हो तो लोगों को लग रहा है कि खाला को क्या हो गया, ये बोलती क्यों नहीं है। बोलते हैं क्यों नहीं बोलते, बोलते हैं बहुत बार फ्रेंड्स, पता नहीं चलता इनको तो ये ऐसी रहती है। अच्छा कुछ भाजन की भी याद आती है ना। नहीं ये सारा नहीं रुकी और आज ये चली जाएगी, फिर जल्दी आ जाना प्रॉमिस। तो पैक कर रहे हैं क्योंकि इनको भी लेके जाना है। भाभी को लग रहा है कि मेरी फ्रॉक कट गई, तो लगा मैं लंबी होगी इसलिए छोटी पड़ गई। नहीं मुझे घर के लिए पहले से मैंने कटा लिया। अच्छा वो शॉक हो गई। हाँ, वो देख रही है, देख रही कि हो गया भर लिया ना। फ्रेंड्स हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं घर दिखाने खालू को। गिफ्ट आ गई है, अल्लाह अभी तो कुछ देखने लायक नहीं है, क्या दिखाएं खालू को। जब हंसी हंसी में बस यहीं से पानी ज्यादा भरता हूँ तो यही रख लो धोके। हाँ ना, बर्तन के लिए सही। तो इसका कनेक्शन ये किचन की टंकी से है और इसका कनेक्शन वो बाथरूम की टंकी से है। हिमालय में ऐसे धोते हैं। ये वाला सिंक है, ये किचन का पत्थर देख, हल्का ब्राउन टाइप का है लेकिन ब्लैक जैसा। अगली बार रेडी मिले। ये क्या है? डर लग रहा है आपको भी? लिफ्ट से नहीं आया इसलिए लिफ्ट से नहीं, तुम कह रहे थे हम जाओ। अल्लाह मकान ऐसा लिया है कि हम तो आ ही नहीं सकते यार। सीढ़ियों से आइएगा ना, आगे भी जा सकते। हाँ जाओ। हम तो कम क्या तुम जहाज में बैठ पाओगे? खालू आप तो कह रहे थे चलो जहाज से आ जाते हैं, चलते हैं। शालू आज मैं आग बंद करके बैठ जाओ। नीचे देखे, नीचे भी लगता है, हमें भी डर लगता है नीचे देखने में। चक्कर नीचे देख रहा हूँ तो एकदम चले न जा। सब बन रहा है जी यहीं पे, सारे फर्नीचर यही बना है। कितनी है? एक दो तीन चार तीन। ये अच्छी छोटी सी। हाँ ये इंडियन है जी, ये सही है ना। बालकनी खुली रहेगी लेकिन इसके ऊपर तो यहाँ से कांच रखा है। हाँ। ये पूरा हाँ। दरवाजा होगा। हाँ। पर ये भी तो बंद होता है। उनका तो हम लोग वो तो कबूतर के लिए कोई कोई करता है ना। नाजा खाला हिम्मत वाली है। खालू नाजा खाला ने आपका एक राज बताया था रात में। वो एक अलग बात है, बताओ रात में बात पेशाब आती है। हमें बताते हैं उठो चलो रात में डरते हैं नहीं जाते हैं, उठाते हैं उठती बार। कोई बदमाश हो, कोई कितना बड़ा आदमी हो, ये उनसे डर नहीं लगता, भूतों से डर लगता है। भूत जब कहीं हो कहीं नहीं भूत। चलो भैया यहाँ से चलो अंदर चलो। क्या बना रहे अभी? ऊपर का लास्ट। अच्छा ओके, किचन का। अच्छा हर चीज बड़ा है, तीन बेडरूम के है ना। हाँ ये बड़ा है ना किचन, एक चौड़ाई की तीन बेडरूम, इसमें नीचे किचन से बड़ा आएगा। हाँ हो गए, बनेगा बिल्कुल। अच्छा अच्छा तब देखना। हाँ इंशाल्लाह जब आप अगली बार आएंगे। हॉल में टीवी लगेगी? हाँ हॉल में लगवा रहे हैं। हाँ ये क्या प्लाई इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ से लाइट आएगी अंदर अंदर। लाइट्स मैंने कहा तो मुझे ज्यादा चाहिए, नीचे मुझे लाइट की बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए खालू लिफ्ट से आइए। नहीं है नहीं। फिर खालू पापा से मिलने के लिए नीचे आ गए और देखिए पापा कितना खुश हो रहे हैं मिलके। नहीं तुम ही दे दो, तुम गाना गाना और अगली बार सीख के आना के साथ में गाना। हम उसको दिला देंगे तुम ये ले जाओ, अब तुम्हें दिलाने का टाइम नहीं है ना। तो हमें तो वो दिला दिया, तो इसके साथ इसमें भी गाना तो उसको दिला। अभी वैसे भी एग्जाम चल रहे तो मैं यूज तो कर नहीं पाऊंगी, तुम सीख के आना।
ठीक है कैसे स्माइल स्माइल फ्रेंड्स खालू कह रहे हैं ट्रक करा दो कार में नहीं आएगा क्यों हंस रहा है ये तो अम्मा का बिल आया था इतना ही है खालू वो अम्मा का भी उठा रहा है फिर तो कोई टेंशन नहीं है आज कोई नहीं रोएगा सब खुशी खुशी भेजेंगे इधर देखो बताओ ये क्या हो गया खुद ही बोल रहे हैं कि आज कोई नहीं रोएगा खुशी खुशी भेजेंगे और खुद ही रोने लगे तो वापस बुलाएंगे ना जल्दी हाँ जल्दी से आ जाएंगे चलेंगे ना बिल्कुल अजमेर शरीफ चलेंगे इंशाल्लाह फिर सब आ जाएंगे मुंह तो दिखा स्माइल करो अभी आप क्या कह रही थी और देखिए फ्रेंड्स हर एक हैप्पी ट्रिप का ये सैड वाला आखिरी मोमेंट आ ही जाता है आते वक्त खुशी और जाते वक्त ढेर सारा गम अभी नीचे जो टैक्सी है वो आ चुकी है भाई भाभी को कहीं काम से जाना था इसलिए प्रतीक भाई हेल्प करने के लिए आए हैं और बस अभी हम लोग सारा सामान टैक्सी में रखेंगे और ये मोमेंट बहुत ही टफ होता है मुझे लास्ट टाइम किसी से भी मिलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ज़्यादा पास से जाके मिलूँगी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी और मैं रोना नहीं चाहती थी फ्रेंड्स सॉरी इसके बाद आगे कुछ व्लॉग नहीं बनाया सभी लोग बहुत उदास हो गए थे तो अभी आपसे अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा लव यू सारा